उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बावता में बजरी खदान में दबने से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मावता गांव में पिछले काफी समय से खातेदारी की भूमि में अवैध खनन चल रहा था। शनिवार की सुबह लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों को बजरी खदान में काम करने के लिए ठेकेदार ने मजदूरी के लिए मजदूर को चंद पैसों के लिए पोंख से मावता गांव में मजदूरी के लिए लेकर आ गया। ग्रामीणों के अनुसार खातेदारी की भूमि में चल रहे अवैध खनन में काम करने के लिए सैकड़ों लोगों को लगा रखा था बजरी खदान में। वहीं एक दो घंटे काम करने के बाद अचानक मिट्टी का टीला टूटकर ऊपर गिर गया, जिसमें अन्य मजदूर मौके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पोंख निवासी रणजीत सैनी पुत्र बंसी सैनी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना के बाद मौके पर काम कर रहे मजदूर व ठेकेदार मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से मिट्टी के ढेले में से दबे व्यक्ति के शव को दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान बाहर निकालते समय जेसीबी के पॉकेट में शव आने से पॉकेट लग गया। आपको बता दें कि खून में लथपथ शव को बाहर निकाला गया, लेकिन व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद आपको बता दें मजदूर के परिजन व आसपास के ग्रामीण सूचना पर मौके पर पहुंचे, शव को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि मृतक के घर में एकमात्र अपने माता पिता व अपने बच्चों का सहारा था। इस दौरान लोगों ने मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ 302 धारा में मामला दर्ज हो, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र में जगह जगह चल रहे सरकारी व गैर सरकारी जमीनों में अवैध खनन को पूरी तरह बंद करवाया जाए। दोपहर 3 बजे से धरने पर बैठे लोगों के बीच वार्ता चल रही थी। धरना स्थल पर पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी, मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के धरना स्थल के दौरान मौके पर नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह, नायब तहसीलदार सोनू आर्य, उदयपुर वाटी थाना अधिकारी भगवान साय मीणा व पचलंगी चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह भूकर, साथी भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया, साथी ठेकेदार यतेंद्र सैनी, जिला मंत्री रामस्वरूप सैनी मौके पर पहुंचे। धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की, लेकिन देर शाम 6 बजे बाद समझौता हुआ, जिसमें मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे का आश्वासन मिलन बाद शव को धरना स्थल से लेकर उदयपुर वाटी मोर्चरी पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रंजीत सैनी था और ये चिड़ाई का मिस्त्री है, और इसको क्या है, कोई ठेकेदार था चौरा का, वो लेके आ गया। कोई बोले वो दीवार का काम चल रहा है तो आप भी चलो, और मावता में कोई बजरी की खदान थी उसमें कोई सेफ्टी दीवार का काम चल रहा था, और सेफ्टी दीवार के पीछे से काफ़ी मिट्टी थी, वो काम कर रहे थे और मिट्टी डसने से वो दब गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये लड़का मतलब कहाँ का था? ये पोंख था, ग्राम पंचायत पोंख। आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद सैनी, मैं पूर्व सरपंच हूँ।